हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज देर हो गया, शाम के समय का मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी शाम के भाई 6:30 के आसपास हो रहा होगा। मैं मिर्ज़ापुर से अपने गांव के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मिर्ज़ापुर शहर है, वहाँ से मेरा गाँव लगभग 35 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैं दरअसल टाटा के जो ट्रक होते हैं उसके वर्कशॉप में मैं काम करता हूँ। वहाँ से निकला, फिर भी मिर्ज़ापुर वाले कमरे पे आया कि वहाँ से मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मैं आपको गांव का रास्ता दिखा, धीमी चाल में मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल मस्ती में। ये गाड़ी वाले सामने कभी लो बीम तो चलते नहीं हैं, सीधा आँख में मारते हैं, सामने कुछ दिखाई ही ना दे। रात में ट्रक वाले पहले सीधे हम लोग चले जाया करते थे, अब यहाँ से मोड़ के बनाया गया है। ये कितना गजब लगता है, हाईवे की बात ही कुछ और है। बहुत गजब अब हाईवे बनने लगे हैं। पूरा आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, यहाँ से मुड़ना है, वहाँ से नहीं मुड़ना है, हर एक जगह पे सिंबल दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग अपने ही भेड़ चाल पर चलेंगे, कोई सुधरने वाला नहीं है। कितना बढ़िया हाईवे बाईपास बना है, चल चल के लोगों ने गड्ढा खन दिया है। अभी दोस्तों कुछ देर बाद हम ये हाईवे छोड़ देंगे, यहाँ से लिंक रोड पकड़ लेंगे जो कि जंगल से होते हुए मेरे गांव की तरफ जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा और रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं से हम कट ले लेंगे। लोग उल्टा बहुत चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए रास्ते में कितनी गिट्टी पड़ी हुई है, देख रहे हैं। यहीं से पेड़ पौधे जंगल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आगे लहंगपुर होता है, मार्केट है छोटा सा, बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं बोलेंगे, है छोटा सा मार्केट।
ये देखिए दोस्तों, ये अब जंगली इलाका है पूरा। दूर दूर तक कोई आपको घर नहीं दिखाई देगा, पूरा जंगली रास्ता है ये। पूरा ये वन विभाग ठीक है दोस्तों, हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। इस ब्लॉग को आज यहीं समाप्त करते हैं। आपने आखिरी तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।